हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एड्यूरिफाई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज एड्यूरिफाई आपके सामने फिर से आ गया है अपने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं edurify.com हमारी वेबसाइट ऑलरेडी हमारे स्क्रीन्स पे ओपन हो रखी है, जिसपे हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं और अपना स्कोर इम्प्रूव कर रहे हैं। सो आज क्या खास है इस वीडियो में? सो आज एड्यूरिफाई आपके सामने लेकर के आया है 7 इजी टिप्स, जिसके यूज से आप अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स जो जिन्होंने अभी तक 12th एग्जाम पास किया है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और अपना ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, सो दैट हम कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इजीली एक्सेस कर सकें। सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, यहाँ पे एड्यूरिफाई ने 3 फीचर्स प्रोवाइड करे हुए हैं, लर्न, प्रैक्टिस एंड ऑनलाइन टेस्ट, जिसका यूज करके आप अपना स्कोर 100% इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बात करते हैं हमारे 7 इजी टिप्स का। तो सबसे पहली टिप है हमारी कि आपको अपना एग्जाम का सिलेबस जो है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो कि एड्यूरिफाई में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी ने गो थ्रू करके इस मॉक टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस सेक्शन को प्रिपेयर किया है। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट बुक प्रोवाइड होगी, जो कि पूरा स्टडी मटीरियल आपको मिलेगा जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड नाउ कम टू आवर सेकेंड टिप, रेगुलर बेसिस पे आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इस सेकेंड टिप का यूज करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एड्यूरिफाई का यूज करके अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट टू मैथ्स, जो कि कंपलसरी है, डेली हमें प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सा हम अपना एग्जाम चूज करेंगे, हम अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे एंड हमारे पास यहाँ चैप्टर्स आ जाएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स। सो हेयर कम्स आवर थर्ड टिप, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रखना है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और मॉक टेस्ट हमें रेगुलर बेसिस में करना है। हमें अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, खुद से अपने नोट्स बनाने हैं और परीक्षा जो भी है हमारी एग्जाम उसके सिलेबस को समझते हुए अपने हेल्थ को ठीक में रखना है। सो ये थी हमारी 7 टिप्स। अब देखते हैं हमारे सामने ये 15 क्वेश्चंस हैं, हम इसको टाइम मैनेजमेंट के साथ कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं और अपना मैथ्स का प्रैक्टिस करते हैं। सो ये हमारे पास आया पहला क्वेश्चन, A spherical lead ball of radius 6 cm is melted and small lead balls of radius 3 mm are made. The total number of possible small lead ball is, these are the possible answers. You have to choose one. Press OK and then flip the card and see. So the correct answer is 8000. Here comes the second question. So इस तरीके से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आते जाएंगे, उसका पॉसिबल आंसर आप टिक करते जाइए, फ्लिप करके उसका राइट आंसर देखिए। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक एड्यूरिफाई ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, एड्यूरिफाई टाइप करें और हमारी ऐप को डाउनलोड करें, अपने मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल करें और आज ही से टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एड्यूरिफाई के प्रैक्टिस सेक्शन में जाके हमारे फ्लैश कार्ड फीचर्स को यूज करके मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। सो एड्यूरिफाई करो, पढ़ाई करो।